छतरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। एसपी ने एक विशेष टीम गठित कर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले अपराधी भी शामिल हैं। छतरपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूटपाट करने वाले 4 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित सांघी ने एक विशेष पुलिस टीम गठित की। जिले के विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके माध्यम से कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सफ़ेद रंग की बेलोरे से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटनाक्रम के संबंध में सभी आरोपियों के बारे में इसी बोलेरो से पता चला। लूट का माल बदमाशों ने जिसके पास बेचा था, पुलिस ने उस आरोपी के पास से लूट का माल आभूषण बरामद कर लिए हैं। देवपुर तिगेले के पास रहने वाले एक सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी, और इस लूट में जब वो अपने घर जा रहा था बाइक पे, तब पीछे से बोलेरो ने टक्कर मार के उसका बैग, जिसमें की सोने चांदी के जेवरात थे, छुड़ा लिया था। इसमें हमारी टीम, जिसमें ओरछा रोड के थाना प्रभारी और टीआई सिविल लाइन्स और उनकी टीम थी, साथ में एडिशनल एसपी और सीएसपी लगातार इसका सुपरविजन कर रहे थे। इसमें आज 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि 3 जो घटना में शामिल थे और एक अन्य सराफा व्यापारी जिसने कि इस माल को गलाने के लिए लिया था। कुल इस घटनाक्रम में 5 आरोपी थे, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश ललितपुर के रहने वाले हैं, और इसमें 2 आरोपी अभी शेष हैं जो कि इस घटना के, हम बोल सकते हैं, मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी थे। और इनसे जो लूट हुई थी, उस लूट का लगभग 5 लाख रुपए का जो मशरूका है, ये बरामद कर लिया गया है, और बहुत ही जल्दी 5-6 दिनों के अंदर ही इस लूट को ट्रेस किया है। और पूरी पुलिस टीम जो इस काम में लगी हुई थी, उसको मेरी तरफ से जो है 10,000 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे ये हमारा केस भी कंप्लीट हो, और साथ ही एक अन्य केस जो हमारा लंबित रहा है, उसके बारे में भी हमें क्लू लगे हैं, उसका भी हम निराकरण करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।